एशिया कप 2023 का आगाज आज से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने ओपनिंग मैच के लिए एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। बाबर आजम के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम तीसरी बार खिताब जीतने उतरेगी। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी। टीम मैनेजमेंट ने अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई पाकिस्तान की टीम में कुछ बदलाव किया है। इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। पाकिस्तान ने 3 गेंदबाजों के अलावा 3 स्पिनर बॉलिंग ऑलराउंडर्स को भी प्लेइंग 11 में रखा है। इसके अलावा टीम की बैटिंग भी काफी मजबूत दिख रही है। हकर जमन और इमामुल हक ओपनिंग करते दिखेंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और सलमान देखेंगे। लोअर ऑर्डर में शादाब खान और मोहम्मद नवाज भी बैटिंग कर सकते हैं। पेस अटैक में नसीम के अलावा शाहीन आफरीदी और हरीश रोफ नजर आएंगे। पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए में है, भारत और नेपाल के साथ है। वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश और अफगानिस्तान और श्रीलंका है। इस बार एशिया कप हाइब्रिड फॉर्मेट में खेला जा रहा है। 4 मैच पाकिस्तान में जबकि सुपर 4 समेत 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। श्रीलंका की जमीन पर पहला मैच 31 अगस्त को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच केडी में होगा। भारतीय टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। भारत की टीम अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ केडी में खेलेगी। इसके बाद उसी मैदान पर 4 सितंबर को उसका मुकाबला नेपाल से होगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 मैच चरण में क्वालिफाई करेगी। इस चरण में शीर्ष 2 टीम फाइनल में पहुंचेगी। एशिया कप इस बार 50 ओवर का खेला जाएगा। विश्व कप से पहले टीमों को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप में देने का यह सुनहरा मौका है।